आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा यूनिक ट्रीटमेंट जो कि आप पहली बार YouTube पर देखने जा रहे हैं। जी हाँ, ये फेस पैक आप YouTube पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो आप देखते बनेंगे। ये एक ऐसा आसान फेस पैक है जो आप हमेशा अपने स्किन पर सन टैन महसूस करने के बाद अप्लाई कर सकती हो। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो ये उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल एक महीने में आपकी स्किन का टेक्सचर पलट कर सकता है। तो जरूर इस कंप्लीट वीडियो को देखें। और आज हम बनाएंगे एक ऐसा फेस पैक जो आपकी स्किन को बहुत तेजी से रिजुविनेट और एक्सफोलिएट करता है। इसके लिए आपको लेना है एक बाउल चना। ये चना है जो हम खाते हैं, दाल नहीं है। और इसको 2 घंटे कच्चे दूध में सोख करके रखना है। जब ये फूल जाएगा तब आपको इसको पीस कर एक फाइन पेस्ट बनाना है। अब आप बोलेंगे कि इसकी जगह हम ग्राम फ्लोर यानी बेसन भी तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी नहीं, जो ये करता है वो शायद वो ना कर पाए, क्योंकि ये हमने पीसा है हल्का दरदरा। इस दरदरेपन की वजह से ये आपके चेहरे को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन पे डेड स्किन सेल्स रुकने नहीं देगा, साथ ही साथ आपके चेहरे से सन टैन को दुगनी तेज़ी से रिमूव करेगा। और इसको कच्चे दूध में भिगोने की वजह से इसकी गुडनेस आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद मैंने इसमें कोई पानी ना मिलाकर एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाया था और अपने चेहरे को हल्के से स्क्रब कर रही हूँ 3 से 4 मिनट के लिए, देन छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्क्रबिंग करना अपने चेहरे पर सन टैन हटाने के लिए एक बहुत ही मेन स्टेप होता है, तो आप इसको अपनी फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से रिजुविनेट करता है, आपकी स्किन को ज़्यादा ब्राइटर बनाता है। उसके बाद अपने चेहरे को वॉश करें और अपने स्किन को टोनिंग करना बिल्कुल ना भूले, चाहे रोज वाटर अप्लाई करें। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलती हूँ गाइज बहुत ही जल्द अपनी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।